दोस्तों ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 3 आज हम शुरू करने वाले हैं और इस लेसन का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए इस लेसन में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और वो कौन से साधन है जिसके माध्यम से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। देखिए पृथ्वी के अंदर जाना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक जो परिस्थितियां हैं बहुत ही जटिल है, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं और पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जाता है। अब ऐसे बढ़ते तापमान के अंदर मानव हो चाहे वो मशीन हो वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अगर लोहे की मशीन को अगर आप नीचे भेजते हो तो वो गल जाती है और लावे के रूप में बदल जाती है। अगर मैं बात करूं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो वो कौन से साधन है जब हम अंदर नहीं जा पा रहे तापमान की वजह से, तो वो कौन कौन से साधन है जिसके माध्यम से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिल पाती है। तो आज हम इस लेसन के अंदर जो टॉपिक जो शुरू का है, आप बुक देखेंगे उसमें टॉपिक दिया हुआ है भूगर्भ की जानकारी के साधन, यहीं से हमारा ये लेसन शुरू होता है। ठीक है, तो टॉपिक डाल लेंगे भूगर्भ की जानकारी के साधन। देखिए इस टॉपिक के अंदर एक मुख्य क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये मोस्टली क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन आता है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, ठीक है, या फिर हम कहें क्वेश्चन आता है ये पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो सकती है? आपके बुक में दिया हुआ है 6370 किलोमीटर है। अब कई बार एग्जाम में या फिर कई बच्चे मुझसे पूछते भी हैं कि सर ये त्रिज्या क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं त्रिज्या का मतलब होता है, आपने पढ़ा भी होगा पृथ्वी की त्रिज्या 6370, अब आप पढ़ भी रहे हो। अब आपको मैं बता दूं त्रिज्या का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी का धरातल वाला भाग ये है, ठीक है, ये आपका क्या है धरातल, और ये जो बीच का भाग है इसे कहते हैं अपना केंद्र बिंदु, ठीक है, ये कौन सा बिंदु है केंद्र। तो धरातल और आपका केंद्र, ठीक है, इसे बोलेंगे केंद्र वाला पार्ट और ये आपका भाग है धरातल का, ठीक है, ये आपका केंद्र हो गया और ये आपका धरातल हो गया। तो त्रिज्या का तात्पर्य होता है पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के धरातल के बीच की दूरी, ठीक है, आगे बात समझे, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के धरातल की बीच की दूरी है 6370 किलोमीटर, यही आपकी त्रिज्या है। इसकी पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की, समझ में आई बात, 6370 किलोमीटर पृथ्वी त्रिज्या है पृथ्वी की। अब समझ आ गया होगा त्रिज्या है क्या, सीधी सी सिंपल सी परिभाषा है त्रिज्या की। अगर आपसे पूछ लिया जाए त्रिज्या की परिभाषा, ठीक है, और वो भी किसकी, पृथ्वी की त्रिज्या की, तो आपको परिभाषा इतनी सी मेंशन करनी है पृथ्वी के केंद्र से धरातल की बीच के की बीच की दूरी, ठीक है, यही कहलाती है आपकी त्रिज्या। अब कितनी है दूरी, 6370 किलोमीटर, आगे बात समझ में। तो ये आपका एक छोटा सा न्यूट्रैक का क्वेश्चन भी बनता है यहां पर और ये आपके डायग्राम से आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई पृथ्वी की जो आंतरिक स्थिति है वो बहुत ही जटिल है, वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें वहां के जो पदार्थ है उन पदार्थों के नमूनों से पता चलता है। मतलब अब धरातल के अंदर जो पदार्थ होंगे वो पदार्थ कैसे ना कैसे हमारे तक पहुंच जाए, ठीक है, क्योंकि हम तो वहां पर नहीं पहुंच सकते लेकिन वो पदार्थ तो हमारे पास पहुंच सकते हैं, ठीक है, और उन्हीं पदार्थों के नमूनों से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब वो नमूने कैसे हमारे तक पहुंचे, वो पृथ्वी की जानकारी हमें कैसे मिले, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी को प्राप्त करने के मुख्य दो स्रोत होते हैं, एक प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं और एक अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत ही है जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रदान करते हैं, समझ में आई बात। तो यहीं पर हम दूसरी लाइन हमें क्या लिखनी है, लिखनी है पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियां, पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियां
बहुत जटिल है, वहां पहुंचना मुश्किल है। समझ में आई बात? क्योंकि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि वहां की स्थिति बहुत ही जटिल है। आगे बात समझ में? अब आगे लिखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी वहां उपस्थित पदार्थों के नमूनों से प्राप्त की जा सकती है क्योंकि वहां मानव का पहुंचना मुश्किल है। आगे लेसन में, क्योंकि हम वहां नहीं पहुंच सकते क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि वहां पर पहुंचते पहुंचते व्यक्ति हो मशीन हो सब गल जाती है और मैग्मा का रूप धारण कर लेती है, लावा जैसा बन जाती है, लिक्विड फॉर्म में पहुंच जाती है। ठीक है, अब हमें पृथ्वी की जानकारी कैसे मिलती है आंतरिक? मैंने बताया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप। तो अपना पॉइंट जो होगा यहां पे हम पॉइंट चेंज करेंगे, लिखना क्या है लिखिए, यहां पॉइंट डाल लेंगे अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के प्रमुख स्रोत, ये अपन मुख्य बिंदु डाल लेंगे, ये लाइन अपनी मुख्य, और इसमें हम पहला पॉइंट डालेंगे प्रत्यक्ष स्रोत। मैं बता दूं आपको प्रत्यक्ष स्रोत वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, वे स्रोत जो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत, अब जो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है, वे स्रोत जो हमें नहीं दिखाई देते हैं। सही में बात? तो इस तरीके से इन दो स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे और इन दो स्रोतों को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक जानकारी हमारे तक पहुंचती कैसे। जब इंसान धरातल के नीचे नहीं जा पा रहा तब भी हमें यह पता चल जाता है कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक स्थिति कैसी है। जैसे कि वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि ऊपर का भाग भूपर पट्टी है, फिर मेटल है, मेटल के अंदर क्रोड होता है, क्रोड भी दो तरह के होते हैं, बाह्य क्रोड आंतरिक क्रोड, ठीक है, जो भी कोई तो कठोर होता है क्रोड और एक होता है लिक्विड फॉर्म में। तो हमें पता कैसे चल रहा है, तो वो स्रोत जो है वो यही स्रोत है जो हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी देता है। एक प्रत्यक्ष स्रोत जो हमें दिखाई देते हैं और एक अप्रत्यक्ष जो हमें नहीं दिखाई देते, ये दो ही स्रोत ऐसे हैं जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की संपूर्ण जानकारी आसानी से प्रदान कर देते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहला बिंदु डाल लेंगे प्रत्यक्ष स्रोत का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रत्यक्ष स्रोत की जो हमें दिखाई देते हैं। ऐसे स्रोत कौन से हैं जो हमें दिखाई देते हैं और वो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रदान करते हैं। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रमुख स्रोत माना जाता है वो प्रत्यक्ष स्रोतों को ही माना जाता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप खनन कार्य देखते होंगे। ठीक है, अब खनन कांड पृथ्वी जो होती है उस पृथ्वी से जब हम खनन करते हैं तो उसमें से ठोस पदार्थ या चट्टान जिसे हम कहते हैं धरातलीय चट्टान वो निकलती है। तो खनन जैसी प्रक्रिया जो है उस खनन से हमें यह पता चल जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कुछ हद तक कठोर भी है। ठीक है, वे चट्टाने जो खनन से पता चलता है जैसे मार्बल है, ठीक है, कोटा स्टोन है या फिर कोई भी क्वार्ट्ज़ कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी आप चट्टान देखते हो तो वो खुदाई के बाद ही पता चलता है। मतलब खनन प्रक्रिया से आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त कर सकते हो, खनन क्रिया। तो यहां पर जो प्रत्यक्ष स्रोत है वो खनन हो गया। आगे बात समझे, तो यहां पर आप पहली लाइन आपको क्या लिखनी है, देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत प्रत्यक्ष स्रोत है। ठीक है, अब मैं उदाहरण सही डाल रहा हूं यहां पर। ठीक है,
उदाहरण सहित। अब उदाहरण सहित में सबसे पहला बिंदु आपको यही लिखना है, क्या पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ जो होते हैं, या फिर हम कहें चट्टानी, धरातलीय चट्टानी, वे सभी चट्टानें जो हमें खनन क्षेत्रों से प्राप्त होती है वो हमें बताती है, वो खनन प्रक्रिया जो हमें बताती है, जो कि नीचे की साइड आपके ठोस चट्टानी पदार्थ मौजूद है, ठीक है, या ठोस धरातलीय चट्टान मौजूद है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग की जब खुदाई होती है, अर्थात खनन क्रिया से पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक धरातल ठोस या धरातलीय चट्टानों से भरा है। अब जब हम खुदाई कर रहे हैं तो हमें यह पता चल जाता है, खुदाई मतलब खनन प्रक्रिया, इस खनन प्रक्रिया से यह पता चल गया कि हमारी पृथ्वी का जो आंतरिक धरातल है या आंतरिक स्थिति है वो ठोस भी है और धरातलीय चट्टानें यहां भरी हुई है। समझ में आई बात? उदाहरण के तौर पर दूसरा, जैसे कि दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खान आपने देखी होगी, आप नेट पे देखते होंगे, आप यूट्यूब पे देखते होंगे, सोने की खान इतनी गहरी है, 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। अधिक गहराई में जाना असंभव है क्योंकि गहराई का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि खुदाई हुई तभी तो पता चला कि अंदर सोना है, ठीक है। तो मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जब खनन होता है तो हमें यह भी पता चल जाता है कि आंतरिक भाग में सोना ही नहीं, इसके अलावा कई ऐसे खनिज है जो कि धरातल के अंदर जमे हुए हैं। आगे बात समझे? तो खनन प्रक्रिया, यहां पे भी खनन प्रक्रिया ही मुख्य है, तो खनन प्रक्रिया प्रत्येक स्रोत के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहां पे लिखेंगे दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खाने 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। आगे यह समय, अब इस गहराई से अब अधिक जाना असंभव है क्योंकि वहां पर तापमान ज्यादा है, ठीक है। अधिक गहराई में जाना असंभव है, ठीक है, क्योंकि हम अधिक गहराई में नहीं जा सकते क्योंकि यहां तापमान गहराई के साथ बढ़ता है। अब बताओ इसमें दो चीजें आपको पता हो गई, ठीक है। एक, जब यहां पर खनन प्रक्रिया हो रही थी, मतलब जब यहां पर खाने दक्षिणी अफ्रीका के अंदर सोने की खाने, मतलब जब खुदाई हो रही थी 3 से 4 किलोमीटर तक खुद गया, तो आपको एक चीज तो पता चल गया ना कि यहां पर कई तरह के खनिज मौजूद है जैसे कि सोना, खनन प्रक्रिया से पता चला। अच्छा, इसी खनन प्रक्रिया से आपको एक चीज और पता चल गई, क्या अधिक गहराई में जाने पर जाना असंभव है क्योंकि यहां का तापमान गहराई के साथ बढ़ता है। मतलब खनन प्रक्रिया हुई तो इससे यह भी पता चल गया कि गहराई में तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपको एक जानकारी तो मिल ही गई खनन प्रक्रिया से कि गहराई में जैसे जैसे हम जाते हैं तो तापमान क्या हो जाता है, वैसे वैसे बढ़ जाता है। मतलब खनन क्रिया से वैज्ञानिक जो है विभिन्न परियोजना के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आई बात? यहां पर इस लाइन को मैं जोड़ देता हूं। अब इन दोनों का एक तरीके से सॉल्यूशन हो गया, अर्थात इस लाइन में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, अर्थात खनन क्रिया से वैज्ञानिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हम कहें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मुख्य क्या होगी, खनन क्रिया, मतलब प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष स्रोत का पहला उदाहरण जो है वो हो गया खनन क्रिया। और खनन क्रिया आप देख सकते हो, मैंने शुरू में कह दिया था कि प्रत्यक्ष क्रिया जो होती है, प्रत्यक्ष स्रोत जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। अब जहां पर खुदाई होगी तो आप देख सकते हो, जैसे जैसे खुदता जाएगा आपको दिखता रहेगा क्या है क्या नहीं है। तो खनन प्रक्रिया जो है एक तरीके से प्रत्यक्ष स्रोत है, जो कि हमें पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है या विभिन्न जो स्रोत आंतरिक स्थिति जो है, जैसी भी है, गर्म है, ठंडी है, ठोस है, लिक्विड है, कैसी भी है, वो तो खनन क्रिया से ही पता चलता है। तो खनन क्रिया प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आता है। चलिए इस खनन क्रिया को मैं आगे और बढ़ाऊंगा। मैं आपको खनन क्रिया के अंतर्गत आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन से प्रवेदन है, मतलब प्रवेदन का मतलब होता है खुदाई, वो कौन कौन सी खुदाई है। उदाहरण दूंगा आपको, उन खुदाइयों से आज भी ये पता चल रहा है कि जमीन की स्थिति कैसी है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि पृथ्वी के अंतर्गत जब खुदाई होती है, या कहें कि खुदाई परियोजना, वो कौन सी परियोजना है जिससे हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी के अंतर्गत स्थिति कैसी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो मैं आपको बता दूं, दो ऐसी मुख्य परियोजना है जो कि आपके महासागर, जैसे हम सागर समुद्र वाला पार्ट है, वहां पर ऐसा प्रवेदन, ऐसा खुदाई कार्य किया गया है और उस खुदाई से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहां पर आप एक लाइन टॉपिक डालेंगे, क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी दो प्रमुख प्रवेदन, प्रवेदन का मतलब क्या होता है, खुदाई, खुदाई का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, खनन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी दो प्रमुख प्रवेदन खुदाई खनन परियोजना से प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब यहां पे खनन प्रक्रिया विशेष है, खनन प्रक्रिया ही है जो कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रदान करती है। जैसे कि अब यहां पर मैं दो परियोजना बता रहा हूं, दो प्रमुख प्रवेदन, मैंने बता दिया प्रवेदन का मतलब क्या होता है, खनन या फिर खुदाई जिसे हम कहते हैं, दो प्रमुख प्रवेदन परियोजना। अब वो परियोजना कौन कौन सी है, तो मैं आपके सामने पहला बिंदु लिख रहा हूं। पहला है गहरे समुद्र में, गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना, एक परियोजना तो ये थी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, मतलब डीप का मतलब गहराई, गहराई कहां पर, समुद्र के अंदर, ठीक है, समुद्र में, गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना, मतलब आपका समुद्र है वहां पर गहराई में जाकर ये ड्रिलिंग की गई और उससे ये पता लगाया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। सेकेंड नंबर पे है समन्वित, ठीक है, समन्वित महासागरीय, महासागरीय प्रवेदन परियोजना, ये दूसरी परियोजना है जिसे हम बोलते हैं इंटरग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि आपके महासागर में है, ये समुद्र में, ये महासागर, ठीक है, जो बड़े बड़े महासागर होते हैं, समुद्र छोटे, महासागर बड़े, उन महासागरों के अंदर ये कार्य किया गया। अब मैं आपको बता दूं, ये तो दो खनन या खुदाई या प्रवेदन प्रक्रिया है जिसकी वजह से आपके पृथ्वी की आंतरिक जानकारी मिलती है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो दो प्रोजेक्ट है, इन प्रोजेक्टों के अंदर दो, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि गहरे समुद्र में किया गया था, आज तक का सबसे गहरा प्रवेदन, ड्रिलिंग जिसे हम बोलते हैं, ये मोस्ट डाल देता हूं मैं, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्या आज तक का सबसे गहरा प्रवेदन परियोजना, पता है सबसे गहरा जो प्रवेदन है, मतलब ये दोनों बिंदु जो परियोजना है वो यहां पर दिखेगी आपको, ये तो आपको केवल ये दो परियोजना, तो ये बता रहा है कि समुद्र में, एक महासागर में, लेकिन वो प्रवेदन, वे ड्रिलिंग कहां पर है, तो मैं बता दूं आर्कटिक महासागर के अंदर, कहां पर है, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर में एक क्षेत्र है उसका नाम है कोला, कोला क्षेत्र, समझ में आई बात, आर्कटिक महासागर में
कोला क्षेत्र है, उस कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक वो ड्रिलिंग की गई थी। 12 किलोमीटर अब लगा लीजिए 12 किलोमीटर कितना होता है, तो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई में यह प्रवेधन परियोजना की गई। समझ में आई बात। अब यहां पर आपका एक छोटा सा न्यू टाइप का भी क्वेश्चन बन रहा है। क्या बन रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सबसे विश्व का सबसे गहरा प्रवेधन परियोजना कहां पर है, तो आपको बताना मतलब खुदाई परियोजना कहां पर है, ड्रिलिंग परियोजना कहां पर है, जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देता है, वो भैया आर्कटिक महासागर में है, कोला क्षेत्र है, वहां पर 12 किलोमीटर की गहराई में यह प्रवेधन कार्य किया गया। इन सभी परियोजनाओं व गहरी खुदाई परियोजना से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। आगे बात समझ में, इसको भी मेंशन कर देंगे, इन सभी खुदाई परियोजना या फिर कहे प्रवेधन परियोजना से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। बोलो क्लियर। अब तो यहां पर आपके समझ में आ गया होगा, पहला बिंदु तो क्या हो गया, खनन, ठीक है, ये खनन जो है प्रत्यक्ष बिंदु का सबसे पहला बिंदु हो गया। चलिए सेकंड नंबर पे, अब सेकंड नंबर पे कौन सा टॉपिक आता है, जो कि प्रत्यक्ष स्रोत जो आपको दिखाई देता है, जो हमें वास्तव में पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देता है, वो है क्या, दूसरे नंबर पे आता है ज्वालामुखी। चलिए अब ज्वालामुखी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, खनन प्रक्रिया समझ में आ गई ना आपको, और ये खनन प्रक्रिया ही प्रत्यक्ष स्रोत है जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देता है। यहां पर खनन क्रिया कंप्लीट हो गई। अब यही खनन क्रिया के अलावा जो प्रत्यक्ष स्रोत है वो है ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी तो आप सब जानते ही हैं, ज्वालामुखी क्या है पढ़ेंगे इसके बारे में, यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार ली। देखिए प्रत्यक्ष स्रोत के अंदर सेकंड नंबर का जो आता है बिंदु वो है ज्वालामुखी। देखिए ज्वालामुखी उद्गार जो है वो प्रत्यक्ष स्रोत की जानकारी या पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रदान करता है, क्योंकि जब ज्वालामुखी से लावा बाहर की ओर निकलता है तो वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना, खनिज पदार्थ, ठीक है, जो भी आपके जमीन के अंदर है आंतरिक भाग, उसको कहां ले आता है, वो लावे के या मैग्मा के तौर पर उसे बाहर ले आता है। तो हमें क्या जानकारी मिल गई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिल गई। ठीक है, लिख देंगे ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से कई गैसें व मैग्मा व लावा बाहर निकलता है, जो कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रदान करता है। समझ में आई बात। कहने का मतलब यह है, अब आंतरिक संरचना में चाहे कुछ भी हो सकता है, वो खनिज हो सकता है, किसी भी प्रकार का पदार्थ हो सकता है, गैसें हो सकती है, टेम्परेचर तापमान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो नीचे से, या फिर हम कहें संरचना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के ज्वालामुखी जब फटता है तो जो भी लावा बाहर की ओर निकलेगा तो वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही निकलेगा। वो निकलता क्या क्या, गैसें भी निकलती है, खनिज भी निकलता है, पदार्थ भी निकलता है, तापमान का भी पता चलता है, गैसें कौन कौन सी है वो भी पता चल जाती है। तो कुल मिला के बात यह है, हमें ज्वालामुखी और खनन ये दो बिंदु ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष स्रोत है जो कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रदान करता है। क्लियर, समझ में आई बात। चलिए यहीं पर अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, सेकंड नंबर का टॉपिक डाल दीजिए अप्रत्यक्ष स्रोत। अब देखिए अप्रत्यक्ष स्रोत जो हमें दिखाई नहीं देते, अप्रत्यक्ष स्रोत हमें पृथ्वी की आंतरिक पदार्थों, गुणधर्म आदि का पता लगाता है। अब देखिए ना तो पदार्थों का गुण आप देख सकते हो, आप केवल महसूस कर सकते हो उसका धर्म कैसा है
ये भी आप नहीं पता लगा सकते, केवल आप महसूस कर सकते हो। मतलब आपको कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आप टेम्परेचर, अब देखिए अब टेम्परेचर जो है वो अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आता है। जैसे कि दबाव, पृथ्वी के अंदर चट्टानों का दबाव कैसा है, पृथ्वी के अंदर पदार्थों का घनत्व कितना है, पृथ्वी के अंदर पदार्थों का टेम्परेचर कितना है, पृथ्वी के अंदर पदार्थों का गुण कैसा है, धर्म कैसा है। अब ये तो सारी चीजें हम देख नहीं सकते, ये तो केवल आप क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष स्रोत में हमें पृथ्वी के आंतरिक पदार्थों के गुण धर्म आदि का पता चलता है अप्रत्यक्ष स्रोतों से। ठीक है, अब वो कौन कौन से स्रोत है उसकी हम बात करेंगे। यहां पर हम पहली लाइन यहां पे डालेंगे क्या, अप्रत्यक्ष स्रोतों से पृथ्वी के आंतरिक संरचना में उपस्थित पदार्थों के गुण धर्मों की जानकारी देते हैं। ठीक है, गुण धर्म की जानकारी प्रदान करता है। अप्रत्यक्ष स्रोतों से पता चलता है कि जब हम पृथ्वी के धरातल के अंदर प्रवेश करते हैं तो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो देखिए तापमान भी बढ़ेगा और दबाव भी बढ़ेगा। तो ये कौन बता रहा है, अप्रत्यक्ष स्रोत बता रहा है। समझ में आई बात, इसको मेंशन कर देंगे अप्रत्यक्ष स्रोत हमें बताता है कि जब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश करते हैं तो गहराई में तापमान बढ़ता है व और क्या बढ़ता है, दबाव। ठीक है, वह दबाव में वृद्धि होती है। आगे बात समझे, अप्रत्यक्ष स्रोत हमें बताता है कि जब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश करते हैं तो गहराई में तापमान भी बढ़ता है और दबाव में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आपसे आपको यह तो पता चल गया ना कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं तो बढ़ते बढ़ते तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और दबाव में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब आप ना तो दबाव को देख सकते हो ना टेम्परेचर को देख सकते हो, केवल आप महसूस कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में और भी बहुत कुछ है, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत में और क्या है। देखिए जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ते हैं तो गहराई में बढ़ते बढ़ते साथ साथ पदार्थों का घनत्व भी बढ़ता है। अब घनत्व को आप देख नहीं सकते, केवल आप महसूस कर सकते हो या फिर उसकी दर को माप सकते हो। ठीक है, तो आप देख नहीं रहे, तो मतलब ये पता चलता है इस लाइन में पृथ्वी, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है इस पृथ्वी में गहराई में बढ़ते बढ़ते, ठीक है, जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ते हैं तो बढ़ते बढ़ते साथ साथ जितने भी पदार्थ होते हैं इन पदार्थों में या पदार्थों के जितने भी घनत्व होते हैं, मतलब पदार्थों का जो घनत्व होता है उस घनत्व में भी क्या होती है, घनत्व में वृद्धि होती है। ठीक है, आपको यह भी पता चल गया कि गहराई में जब हम बढ़ते हैं तो तापमान में बढ़ोतरी होती है, गहराई में हम बढ़ते हैं तो पदार्थों के घनत्व में भी वृद्धि होती है और दबाव में वृद्धि होती है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं ये स्रोत हमें बताता है तापमान के बारे में। ठीक है, अप्रत्यक्ष स्रोत हमें तापमान के बारे में बताता है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे दबाव के बारे में बताता है। ठीक है, इसके अलावा घनत्व, ठीक है, अप्रत्यक्ष स्रोत हमें ताप दाब और घनत्व में भी जो भी परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की जानकारी देता है। ठीक है, घनत्व के परिवर्तन की दर की जानकारी प्रदान करते हैं, कौन, अप्रत्यक्ष स्रोत। सही यही बात। अब सुनिए, अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जिसे आपने देखा नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे अब ये देखिए तापमान दबाव घनत्व ये ऐसी चीजें होती है जो आप देख नहीं सकते तो अप्रत्यक्ष स्रोत में चलेंगे। अब ऐसी चीज
जो आपने शायद देखी भी होगी उल्का, ठीक है, और नहीं भी देखी होगी क्योंकि एक नॉर्मल वे में हम उल्का पिंडों को नहीं देख पाते, लेकिन कई ऐसे पृथ्वी पे भाग है जहां पर उल्का पिंडों को देखा गया है, जमीन पे गिरते हुए भी देखा होगा और कहीं पर उपस्थित भी है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत जो है वो उल्काएं हैं। ऐसे तो अंतरिक्ष में है ये उल्काएं, अब ये हमें धरातल की या हमारी पृथ्वी की सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी बनी है और जो उल्का पिंडों की जो स्थिति है, इसमें जो पदार्थ है वही हमारी पृथ्वी में मौजूद है। अगर हमें कहीं से उल्का पिंड मिल जाती है तो इन उल्काओं से यह पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है। अब कई बार उल्का पिंड जो होते हैं वो हमारे आपके जो पृथ्वी का जो वायुमंडल उसको चीरते हुए हमारे धरातल पे आके गिर जाते हैं, तो उन उल्का पिंडों की खोज करके उसे तोड़कर यह आप देख सकते हो कि वो हमारी उल्का पिंड वो है जो हमारी पृथ्वी से थोड़ी मिलती जुलती है, क्योंकि उल्का पिंडों का निर्माण उन्हीं पदार्थों से हुआ है जिससे हमारी पृथ्वी बनी है। समझ में आई बात? तो यहां पर हमारी जो दूसरी लाइन है वो यही है अप्रत्यक्ष स्रोत का दूसरा बिंदु। यहां पर देखिए अप्रत्यक्ष स्रोत में देखिए, एक तो आपका तापमान हो गया, एक आपका दबाव हो गया, एक आपका घनत्व हो गया। अब यहां पर अपना दूसरा जो बिंदु आता है ये पहला हो गया, ये दूसरा आता है जो हो गया कौन सा उल्का है, ठीक है। अब यहां पर आप एक लाइन जोड़ेंगे क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत मुख्यतः उल्काएं हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष स्रोत में दूसरा नाम किसका आता है, उल्का पिंडों का, ठीक है। यहीं पर हम एक लाइन जोड़ेंगे क्या, ये हमें पता होना चाहिए कि उल्का पिंड की संरचना जिन पदार्थों से बनी है वही पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक संरचना में बनने में लगे, ठीक है। इस वही लाइन है जो मैंने अभी बताया आपको कि उल्का पिंड जिन पदार्थों से बनी है उन्हीं पदार्थों से पृथ्वी बनी है, ठीक है। अगर हमें उल्का पिंड कहीं पर मिल जाती है तो उससे हमें पता लगा सकते हैं, उससे हम जानकारी ले सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, ठीक है। लिख देंगे इसी के अंदर, हमें यह पता होना चाहिए कि जिन पदार्थों से उल्का पिंड बने हैं वही पदार्थों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण हुआ है, ठीक है। अगर उल्काएं मिलती है तो वे हमें पृथ्वी की जानकारी आसानी से दे देती है, ठीक है। चलिए यहां तक समझ आ गया होगा, मतलब यह हो गया कि अप्रत्यक्ष स्रोत के अंदर दूसरा जो बिंदु आता है वो उल्का पिंडों का आता है, ठीक है। हालांकि तुम्हारे या हमारे हाथ से उल्का पिंड दूर है इसलिए उसको अप्रत्यक्ष स्रोत में डाला गया क्योंकि हम देख नहीं सकते। शायद पृथ्वी के ऊपर कुछ ही लोग होंगे जिसने उल्का पिंडों को देखा होगा, मैंने तो देखा नहीं, आपने भी नहीं देखा होगा उल्का पिंडों को। तो उल्का पिंड जो है उन्हीं पदार्थों से बनी है, उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे पृथ्वी बनी है, और उन्हीं पदार्थों से उल्का पिंड बनी है। तो उल्का पिंड अगर आपको मिल गई तो इससे पता चल गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। चलिए अब अप्रत्यक्ष स्रोत के और भी कई बिंदु है मैं आपको बताऊंगा। एक तो बता दिया तापमान दबाव घनत्व, दूसरा उल्का, और तीसरा, अब तीसरा देखेंगे हम कौन कौन से बिंदु है देखते हैं। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अप्रत्यक्ष स्रोत के अंदर और कौन कौन से है, दो तक हो गए, तीसरा आता है। तीसरे में देखिए कौन कौन से आते हैं, तीसरे में आते हैं एक तो गुरुत्वाकर्षण बल। अब बताइए गुरुत्वाकर्षण बल को आप क्या देख सकते हो, नहीं देख सकते, ठीक है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय पावर, ये चौथे नंबर का पॉइंट हो गया। इसके अलावा पांचवें नंबर का जो बिंदु आता है वो है भूकंप,
इसे भी आप महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के पांच है, तापमान, दबाव, घनत्व, उल्का, और तीसरे नंबर पे आता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब चलिए सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर लेते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत के अंदर। ठीक है, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है हमारी पृथ्वी की एक ऐसी स्थिति को प्रकट करती है। अब उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको, आपने पृथ्वी को देखा होगा, इस पृथ्वी की स्थिति को आप देखो, इस पृथ्वी की स्थिति को जब आप देखते हो तो पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांश मौजूद है। अक्षांश का मतलब समझते हो आप लोग, ऐसे आपने देखा होगा इस तरीके से, ये आपके अक्षांश बिंदु है। ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं हैं आपकी। अब इस अक्षांशों की स्थिति बड़ी विचित्र है गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत। देखिए, आप गुरुत्वाकर्षण बल को देखते हो तो ये आपकी भूमध्य रेखा वाली लाइन है 0 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर प्रवेश करते हो, ये ध्रुव वाले पार्ट है, ठीक है, ये आपके कौन से भाग है, ध्रुव वाले, और ये कौन सा पार्ट है आपका, भूमध्य। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं गुरुत्वाकर्षण बल जो है ध्रुवों पे अधिक है, मतलब ये जो पार्ट है यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक मिलता है। और जैसे जैसे हम ध्रुव से कहां पहुंचते हैं, यहां पर भूमध्य रेखा के, भूमध्य जो भाग है, भूमध्य रेखा है, यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है। समझ में आई बात? तो मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी के बारे में यह बताता है कि भैया ध्रुव वाले पार्ट की ओर जब हम चढ़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हो जाता है, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर प्रवेश करते हैं तो आपके जो गुरुत्व बल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसका कारण भी है, इसका कारण क्या है, गुरुत्व जो मान है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पदार्थों के द्रव्यमान पर। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, ये पदार्थों के द्रव्यमान पर आधारित है। आगे बात समझे, कहने का मतलब ये है, कहना ये चाहता हूं कि अर्थात ये कहे कि पदार्थों की असमानता है, अगर मान लीजिए कहीं पर पदार्थ, या कहे पदार्थों की असमानता के कारण गुरुत्वाकर्षण बलों में क्या आती है, भिन्नता आती है। कहने का मतलब ये कहना चाहता हूं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर प्रवेश करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाता है, जब ध्रुवों से हम भूमध्य रेखा की ओर प्रवेश करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। ये अधिक और कम होने का कारण क्या है, पदार्थों के द्रव्यमान पर आधारित है ये सारी चीजें। क्यों? क्योंकि पदार्थों में असमानताएं हैं, जहां पे पदार्थ अधिक मात्रा में, ठीक है, वहां पर गुरुत्व बल उतना ही अधिक हो जाता है, जहां पर पदार्थ कम मात्रा में वहां पे गुरुत्व बल उतना ही कम हो जाता है। ठीक है, तो ये तो मैं एक छोटे से डायग्राम से आपको समझा दिया। अब इसमें लिखना कैसे है, यहां तक आप उतार लीजिए, इस डायग्राम को भी आप उतार सकते हैं। देखिए भाई, इसको उतारना कैसे है? मैं बता दूं आपको, आपको उतारना इस तरीके से है कि पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर, लिखेंगे पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्व बल असमान रूप से उपस्थित है। ठीक है, अब इसमें एक लाइन जोड़ेंगे, आगे क्या जोड़ते हैं, लिखना है क्या, जैसे जैसे हम अक्षांश की ओर, मतलब आपके ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, लिखेंगे पृथ्वी पर उपस्थित अक्षांशों में जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों में प्रवेश करते हैं तो ध्रुव क्षेत्रों में गुरुत्व अधिक हो जाता है, और जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर
प्रवेश करते हैं तो गुरुत्व बल कम हो जाता है। ठीक है, यह समझ में आ गई। अब आगे क्या लिखना है इसमें, देखिए। अब यह गुरुत्व बल जो है वो डिपेंड करता है किस पे, पदार्थों के द्रव्यमान के अनुसार बदलता है। अर्थात पृथ्वी में पदार्थों का ऐसा मान वितरण है तो अलग अलग स्थानों पे गुरुत्वाकर्षण बल भिन्नता को दर्शाता है। ठीक है, यहां लिखेंगे गुरुत्व बल पदार्थों के असमानता के कारण बदलता है क्योंकि गुरुत्व बल जो है या गुरुत्व बल या कह लीजिए मान पदार्थों के द्रव्यमान के कारण बदलता है क्योंकि पृथ्वी पर पदार्थ असमान रूप से क्या है, वितरित है, मतलब फैले हुए हैं, कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर कम है। आगे बात समझे, पृथ्वी के धरातल पर पदार्थों की जो असमानता है और इस असमानता के कारण गुरुत्व बल में भी असमानता आती है जिसे हम बोलते हैं गुरुत्व विसंगति। ठीक है, गुरुत्व विसंगति जो है वो हमें भूपरपट्टी में पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी प्रदान करता है। गुरुत्व बल विसंगति है तो उससे यह भी पता चल जाता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर पदार्थ आपको ज्यादा मिलेंगे, खनिज आपको ज्यादा मिलेंगे, और जो भूमध्य क्षेत्र है वहां पर पदार्थ आपको कम मिल रहे हैं, मतलब वहां पर गुरुत्व बल कम है। अब गुरुत्व बल कम होने की वजह से आपको यह पता चल गया कि भूमध्य क्षेत्रों के अंदर पदार्थ कम है और वहां पर पदार्थ ज्यादा, इसलिए गुरुत्व बल ज्यादा है, मतलब गुरुत्व बल वहां पर ज्यादा हो रहा है, तो मतलब यह भी पता चल गया कि ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर पदार्थ ज्यादा है। समझ में आई बात, तो गुरुत्व बल की असमानता, जहां पे ज्यादा है वहां पर पदार्थ ज्यादा है, जहां पर गुरुत्व बल कम है मतलब वहां पर पदार्थ भी कम है। आगे बात समझ में, यहां पर एक लाइन जोड़ेंगे क्या, यहां पर जोड़ना है क्या आपको, पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर पदार्थ असमान रूप से वितरित है। ठीक है, वे गुरुत्व बल असमान रूप से है। ठीक है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, गुरुत्व विसंगति कहते हैं। आगे वास्तव में गुरुत्व विसंगति बोलते हैं इसको, और इसी विसंगति से हमें भूपरपट्टी पे पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण से पदार्थों की जानकारी भी मिल जाती है, कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है। ठीक है, इस विसंगति से हमें पदार्थों के वितरण की जानकारी मिल जाती है। अब बताइए, मतलब ये कि यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमें धरातल पर उपस्थित पदार्थों की जानकारी दे रहा है कि कहां पर पदार्थ ज्यादा है कहां पर पदार्थ कम है। जहां पर पदार्थ जाता है ज्यादा है वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा है, जहां पर पदार्थ कम है वहां पर पदार्थ कम होने की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल कम है, मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में पदार्थ ज्यादा है इसलिए तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, और जहां पर पदार्थ कम है मतलब भूमध्य रेखा के अंदर पदार्थ कम है इसलिए वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल भी कम है। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। ठीक है, यहां पे गुरुत्वाकर्षण बल का टॉपिक कंप्लीट होता। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र और फिर बात करेंगे भूकंप के बारे में। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, अगला टॉपिक डाला मैंने चुंबकीय क्षेत्र की बात करें। देखिए, जहां पर भी चुंबकीय सर्वे होता है उस सर्वे से हमें पता चलता है कि भूपरपट्टी में चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों के वितरण की जानकारी हमें चुंबकीय सर्वे से पता चल जाता है। कहने का मतलब यह है कि पदार्थों में चुंबकीय गुण होता है, पदार्थ जहां पर ज्यादा होता है वहां पर चुंबकीय गुण भी ज्यादा आपको मिलेगा। तो यहां पर लिखेंगे चुंबकीय सर्वेक्षण। ठीक है, जो भी जांच होती है उस सर्वेक्षण से भू परपट्टी जो है मतलब आपका जो धरातल है उस धरातल में चुंबकीय
पदार्थों की जानकारी मिलती है। मतलब जब हम चुंबकीय सर्वे करते हैं तो उससे यह पता चल जाता है कि हमारी भूपर पट्टी के ऊपर चुंबकीय पदार्थ कहां पर मौजूद है, चुंबक के गुण कहां पर मौजूद है। ठीक है, इसी के साथ में अगला पॉइंट आ जाता है अपना भूकंप। अब देखिए भूकंप की जो प्रक्रिया होती है, ये भूकंपीय गतिविधियां जो होती है वो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्रदान करती है, क्योंकि जब भी भूकंप आता है तो धरातल टूट जाते हैं, और जब धरातल टूटते हैं तो आंतरिक भाग आपको एक ऐसी स्थिति के दर्शन करवा देता है जिसकी जानकारी हमें समतल धरातल पर मौजूद नहीं मिलती है। मतलब समतल धरातल पे तो हमें आंतरिक जानकारी मिल ही नहीं सकती, लेकिन जैसे ही भूकंप की गतिविधियां होती है हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी आसानी से मिल जाती है। तो यहां पर लिखेंगे भूकंप गतिविधियों से हमें भूपरपट्टी व पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी आसानी से मिल जाती है। ठीक है, और यही पर अपना भूगर्भ की जानकारी के प्रमुख साधनों का वर्णन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको दो बिंदु बता दिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, इन अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी आसानी से मिल जाती है। ठीक है, इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।